टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि हम आपको साइक्लोन असर के हवाले से बरवक्त अपडेट दे रहे हैं, तो बताएं कि तूफ़ान अब तेज़ी से कराची के करीब आ रहा है। इस वक्त तूफ़ान के आप ये देख रहे होंगे वीडियो 170 किलोमीटर दूर है कराची के। तूफ़ान करीब आते ही ये देख रहे होंगे कराची का हॉक्सबे साहिल, जहाँ आज बड़ी तादाद में आवाम समंदर ही तूफ़ान देखने पहुंची थी, लेकिन हालात कुछ और ही बदल गए और सारा समंदर का पानी बाहर आ गया। ये आप वीडियो भी देख रहे होंगे नाजरीन, ये हॉक्सबे पैराडाइज पॉइंट की वीडियो है। दूसरी जानब कराची में तेज़ हवाओं के चक्कर चल रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ मकामात पर दरख गिर चुके हैं और पोल भी गिर गए हैं। इस वाक़यात में तकरीबन अब तक दो अफराद जाबाक हो गए हैं। ये आप सीवियो की वीडियो भी देख रहे होंगे नाज़रीन, देखें इतना ज़्यादा समंदर की लहरें तेज़ हुई हुई है और सीवियो पर भी पाबंदी लगाई हुई है दफ़ा 144 नाफिज़ है, लेकिन कराची के अवाम है कि जो मानते नहीं है, उसके बावजूद समंदरी तूफ़ान को देखने पहुँच गए हैं। समुद्री तूफान की बात की जाए तो नाजरीन आज शाम में कुछ मंजर देखा गया है, जहाँ चरिंद परिंद दो ने कराची से हिजरत कर ली है। मतलब ये एक साइन होता है कि किसी जगह अगर तूफान आ रहा हो तो उधर से चरिंद परिंद उड़ जाते हैं। नाजरीन समुद्री तूफान कराची में रात गए 70 किलोमीटर तक करीब आ सकता है, उसके बाद वो फिर बलूचिस्तान जाएगा। अभी तक मॉडल्स यही दिखा रहे हैं कि बलूचिस्तान की तरफ जा रहा है। इस दौरान कराची और सिंध और बलूचिस्तान की साहली पट्टी पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी, जबकि हवाओं की रफ्तार जो 40 से 50 थी कराची में, वो अब 70-80 किलोमीटर तक जा रही है। नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहा।